मोदी सरकार का गतिशक्ति प्लान चीन को कड़ी टक्कर देने वाला है। जी हां, चीन से बाहर निकलने की फिराक में बैठी बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल पाने में लेट लतीफी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे आसानी से देश में कारोबार शुरू कर सकेंगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 1.2 खरब डॉलर यानी 120 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्लान पीएम गतिशक्ति बेहद कारगर साबित होने वाला है। मोदी सरकार का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करेगा बल्कि चीन से बाहर निकलकर भारत में संभावनाएं तलाश रही विदेशी कंपनियों को देश में अपना बिजनेस आसानी से स्थापित करने में भी मदद करेगा। आपको बता दें कि पीएम गतिशक्ति प्लान के तहत सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जो एक साथ 16 मंत्रालयों से जुड़ा होगा। ये इन अलग अलग मंत्रालयों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा और इस एक ही पोर्टल के जरिए कंपनियां और निवेशक एक साथ अपना काम कर सकेंगे। ये पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा जहां पर हर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन अप्रूव किया जाएगा और उससे जुड़ी लागत की जानकारी भी वहीं मिल जाएगी। आसान भाषा में कहें तो इसके जरिए इन्वेस्टर्स और कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की बचत की जा सकेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार का ये मेगा प्लान काफी कारगर साबित होने वाला है क्योंकि इसके चलते चीन में काम कर रही फैक्ट्रियां और कारखाने भारत की ओर अपना रुख मोड़ लेंगे। दरअसल जब से चीन की कंपनियों ने चीन प्लस वन पॉलिसी को अपनाने का मन बनाया है तब से वहां की विदेशी कंपनियों ने अपना नया ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन कंपनियों के भारत में आने से इंडियन इकोनॉमी को खासी मजबूती मिलेगी। हालांकि ये प्लान सिर्फ विदेशी कंपनियों को मद्देनजर रखकर नहीं बनाया गया है। फिलहाल भारत में करीब आधे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं और अनुमान से ज्यादा खर्चीले भी साबित हो रहे हैं। इन समस्याओं को दूर करने और भारत के प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए भी मोदी सरकार ने इस प्लान को तैयार किया है। खैर, ऐसा कहा जा सकता है कि पीएम गतिशक्ति प्लान से भारत सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधने का बड़ा प्लान बनाया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।